लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि दो सेल जो पैरेलल में कनेक्ट हैं तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी और इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ एनुमेरिकल। देन थर्ड पॉइंट इज सेल्स इन मल्टीपल आर्क। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो सेल्स हैं वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों में एक साथ कनेक्ट हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो सीरीज में एम सेल कनेक्ट हैं और इस तरह की जो नंबर ऑफ रोज हैं वो एन है। और हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट कर दिया है और इस रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो कर रही है। तो हम ये देखेंगे कि एम इंटू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, और स्मॉल आर इक्वलेंट इज इक्वल टू। तो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो स्मॉल आर रेजिस्टेंस का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एम है और एम इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो किसी भी एक रो में इक्वल आर इक्वलेंट की वैल्यू होगी स्मॉल एम आर, लेकिन ये स्मॉल एम आर रेजिस्टेंस के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एन एन पैरेलल में भी कनेक्ट है। तो जो ओवरऑल इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इस सर्किट में, अगर मैं एक रो की बात करूं तो एक रो में एम इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो उनका इक्वलेंट होगा स्मॉल एम आर। और यहां पर इस तरीके से जो स्मॉल एम आर रेजिस्टेंस के जो रेजिस्टेंस है वो एन पैरेलल में भी कनेक्ट है तो जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो एम आर अपॉन स्मॉल एन आएगा, ठीक है। और जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा स्मॉल एम ई, क्योंकि अगर पैरेलल में कितने भी सेल कनेक्ट हो उनका इक्विवेलेंट एक सेल के इक्विवेलेंट के बराबर होता है, लेकिन एक रो में एम नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्ट इन सीरीज तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा स्मॉल एम ई। तो अगर मैं इस सर्किट में करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो आई इज इक्वल टू स्मॉल एम ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एम आर अपॉन एन। तो इसको अगर आगे मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूं तो एन एम ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल एम। अगर मैं सर्किट में मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना चाहूं तो मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इज एन आर इज इक्वल टू एम आर, देन आई मैक्सिमम इज इक्वल टू एन ई अपॉन टू आर या फिर एम ई अपॉन टू कैपिटल। तो हमने ये देखा कि जब सेल सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होती है और जो करंट उसमें सर्किट में फ्लो कर रही है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बैटरी। बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज दैट क्रिएट्स ए कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स। सेल मीन्स कोई एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है तो इस कॉम्बिनेशन को हम सेल कहेंगे। और अगर हम बैटरी की बात करें तो इस तरीके की जो सेल है वो सीरीज में कनेक्ट कर दें
जैसे मान लीजिए हमने तीन सेल जिनका EMF है उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहेंगे। सर so,